चाइना की फौज हमारी फौज से लड़ रही है और होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि उनको चाइना से पैसा मिला कांग्रेस। पूरी दुनिया में डंका बज रहा, तो चाइना कैसे लड़ रहा है? रोजगार के लिए जो निर्भया फंड बना था, उस फंड से वो कार खरीद रहे हैं, उस फंड से वो अय्याशी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। देखिए, अगर अच्छा काम करते तो ये तमाम लोग यहाँ पर आकर के प्रदर्शन नहीं करते। तो जो अभी मौजूदा हालात में जो इस तरह देश की और उनके नागरिकों की अर्थव्यवस्था जो खराब बिल्कुल दिन पे दिन गिर रही है, वो तमाम अर्थव्यवस्था गिरने से जो लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उससे लोग त्रस्त हैं। और सबके देखिए, ये बार बार ये विविधताओं का देश है, इसमें बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, धर्म हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, क्षेत्र हैं, भाषाएँ हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है। आप कोई कानून बनाते हो ना, तो उस कानून में आपको ये ध्यान रखना कि किसी उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारत के संविधान में, वो अलग किसी भी वर्ग के वो आहत ना हो पाए, वो वर्गों के वो उनको क्लैश ना करें कोई भी कानून। अब ये क्या करते हैं, कानून बना देते हैं ऐसे कि जो कि बिना ये देखे रेफरेंडम कराए या उनके नेताओं से बात करे ना, सर्वदलीय जो दल हैं उनसे, राजनीतिक दल हैं उनसे ना बात करे, तो ये तमाम ये जितनी भी चीजें हैं ये सरकार के विरुद्ध जा रही हैं। इसीलिए लोग आकर के यहाँ बैठते हैं, अपनी बात को कहते हैं। तो इसी ये एक चक्कर है कि इसीलिए वो अच्छा भी काम कहीं होता है तो वो खराब ही हो जाता है। कि देखिए, अमृतकाल ये तो खाली उनके वो कहने के जुमले हैं, और जुमले अमृतकाल में तमाम लोग बेरोजगार हो गए, तमाम लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, दुनिया के अंदर सबसे नीचे की पायदान पे हम आ गए, कि भुखमरी में हम टॉप पे आ गए, कि दूसरे नंबर पे आ गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हम नीचे आ गए, कि जो हमारे यहाँ पर लोग भुखमरी में हैं, वो टैली जो इंटरनेशनल टैली आती है, तो ये तमाम चीजें अब हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है। अब देखो, चाइना और इंडिया का परसों वहाँ पर लड़ाई भी चल रही है, वहाँ पर हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरकार बैठ करके संसद में जो असंवेदनशील वो अपने स्पीच कर रही है, हमारे राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर जी, वहां पर तो देखो मामला हो रहा है कि वहाँ पाकिस्तान चाइना के लोग, चाइना की फौज हमारी फौज से लड़ रही है, और होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि उनको चाइना से पैसा मिला कांग्रेस। ये जो कह रहे हैं जी हमारा विदेशों में डंका बज रहा है, और विकास कहाँ हो रहा है, अंतरिक्ष में हो रहा है, और बेचारा जो भूखा बेरोजगार आदमी है वो अंतरिक्ष में देख रहा है कहाँ विकास हो रहा है, और आगे जाके गड्ढे में वो गिर जा रहा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, बस हवा हवाई विकास हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो चाइना कैसे लड़ रहा है, चाइना की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है आके लड़ रहा है? अब ये बताएं ना, मोदी जी कैसे बज रहा है डंका? अगर बज रहा है तो वहां पर हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, इस देश के नागरिकों को क्या फायदा हो रहा है? मैं खिलाफ नहीं, बार बार कहता हूँ, मैं मोदी जी से बहुत प्यार करता हूँ, वो हमारे वर्ग के एक चाय वाला गरीब आदमी वहां तक पहुंचा प्रधानमंत्री इस संविधान की वजह से। मगर आज मोदी जी अपनी जिम्मेदारी अपने वर्गों के, गरीब वर्गों के प्रति, मेहनत कशों के प्रति, SC ST के प्रति, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। अभी देखो, आज हम यहाँ पर आए हैं कि हम भैया 16 तारीख परसों निर्भया हत्याकांड की बरसी है, हम वहाँ उनको कह रहे हैं कि भैया अभी देखो, जैसे महाराष्ट्र में वहाँ के मंत्री संतरी उस निर्भया फंड से जो रेप पीड़ित महिलाएं थी उनके लिए, पुनर्वास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, शेल्टर के लिए, रोजगार के लिए जो निर्भया फंड बना था, उस फंड से वो कार खरीद रहे हैं, उस फंड से वो अय्याशी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सरकारें उससे सड़कें बनवा रही हैं और उससे दूसरे काम कर रही हैं, लेकिन जिन पीड़ित महिलाओं को वो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो यही तो विकास हो रहा है कि जो 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 जिसको जरूरत है, गरीब मजदूर पीड़ित, जिसको न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उसको ना मिल करके चंद लोग आनंद लूट रहे हैं और दुनिया के मालदार हो रहे हैं। वो तो मेरी डेमोक्रेटिक राइट है, मैं किसको बनाना चाहता हूँ, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो मोदी जी के बारे में एक बार भी नहीं कहा, मैं तो उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, जिस नीति से बहुमत लोग कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक कमजोर। ये देखो ना आप, वो हिंदू राष्ट्र में ये हिंदूवादी सरकार है, और हिंदूवादी सरकार पिछले 8 साल में जनरल लोग ही कमजोर हो गए, इनको EWS का 10% रिजर्वेशन देना पड़ा उनको बनाने के लिए, कि अब इनकी नीतियां ऐसी हैं कि उनके अपने लोग भी कमजोर हो रहे हैं, वो अपर कास्ट भी कमजोर हो रहे हैं, 10% उनको रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, तो वो अपनी नीति को मान रहे हैं ना, खराब हो रही है। अगर देखिए हिंदू सुरक्षित होता या हिंदू ताकत में आता तो आर्थिक रूप से भी संपन्न होता ना। अभी कौन सा राष्ट्र है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री कौन है इस देश का? राष्ट्रपति कौन है और इसके कैबिनेट कौन है, बताओ जी कौन है? तो हिंदू ही तो है सारे के सारे, तो अब कौन सा खतरा है जी? आप 70% राज्य में आपके मुख्यमंत्री कौन है जी? हिंदू ही तो है ना जी? वो तो अब हिंदू आपके सारे देश में हिंदूवादी राज है। अब ऐसा स्पेसिफिक कौन सा राज चाहिए भैया आपको? सारे हिंदू हो,
आपका सेना के मुख्य नायक कौन है, जनरल कर्नल कौन है, वो सारे हिंदू हैं। अर्धसैनिक बलों के जनरल कर्नल कौन है, सारे हिंदू हैं। और जी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, सारे हिंदू हैं। आपके उसमें हाई कोर्टों में, पूरे देश के हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में 99% हिंदू ब्राह्मण है, सारे जज के जज। तो आपको और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई, मुझे बताओ, और कौन सा स्पेशल चाहिए? खाली नाम बदलना ही तो रह गया, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप हो हिंदुओं को बचाओ ना भाई, हिंदुओं को दो ताकत, बांटो जमीने गरीब हिंदुओं को, आप दो उनको रोजगार, कौन रोक रहा है आपको? अरे भैया अपने राष्ट्र में हिंदुओं को तो ताकत दे लो मेरे भाई। और इसमें एक और अनुसूचित जाति में एक वाल्मीकि जाति है जो कट्टर हिंदू है, वो बेचारे गटर में काम कर रहे हैं, उनको गटर से निकाल करके उनको जमीने बांटो, उनको पक्की नौकरियां करो, उनको उनको व्यापार खुलवाओ, खुलवाओ ना, करवाओ, हिंदुओं को ताकत दो, कौन रोक रहा तुम्हें? किसी ने रोका क्या? हिंदुओं को तो मजबूत कर लो भाई, और आपने उनको कमजोर कर लिया। 10% आपको EWS का रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। तो ये इनकी नीतियों का खामियाजा है, हम उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो आप बना चुके हो, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए मुझे? नहीं देखिए, सवाल इस बात का है कि सैनिक मारे नहीं गए तो क्या मरवाना चाहती है रुपया इलाका? वो जो है वो प्रेस वाले ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जैसे ये दो राष्ट्रों के अंदर ये युद्ध करवा देंगे पक्का। सरकार नहीं बोल रही है, सरकार फूक फूक के कदम रख रही है, स्टेटमेंट दे रही है ये दो राष्ट्रों का युद्ध करवा देंगे। कल मैं उसको भी सुन रहा था आज तक पर, वो काला कोट वाला अपना वो सुधीर, वो भी कह रहा, वो तो सांसदों पे ही विपक्ष पे उंगली उठा रहा है कि विपक्ष क्यों सवाल उठा रही है। अरे भैया विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार से पूछना कि आखिर हुआ क्यों, ये सब हुआ क्यों। और दूसरी बात देखिए, मुझे दुख होता है कि ये तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं और जितने ये प्रेस वाले हैं, ये उस समय जो नेहरू जी के समय जो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, वो जो हमारे बहादुर सिपाहियों ने जो उनकी कुर्बानियां दी थी, ये उनको उनके उनके विरुद्ध बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये घोर अपमान है हमारे हमारे उसका, ये बांटते हैं शासन में कि नेहरू के समय पर वो लड़े, हार हुई, डिफीट हुआ, इतना क्षेत्रफल वो ले लिया। उस समय हमारे पास संसाधन कहाँ थे, कितनी फौज थी, कितने हमारे पास आधुनिक हथियार थे, कितने हमारे पास टेक्नोलॉजी आधुनिक थी, जब भी भिड़ गए। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उस समय नया नई आजादी मिली, पैसा नहीं था हमारे पास, हमारे पास कोई भी ऐसे संसाधन हथियार नहीं थे, उसके बाद हमारी बहादुर वो फौज लड़ी वहां पर, भले ही वो उनको शिकस्त मिली लेकिन अपनी कुर्बानियां दी और हम वहां पर लड़े और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, अपने अपने हमने आहुतियां दी हैं। आप उन सैनिकों का अपमान करते हो, उसे 1962 की और उससे पहले की लड़ाई की बात करके, चाइना इंडिया वार करके, उस समय के प्रधानमंत्री या उनकी मैं दाद देता हूं कि कमजोर फौज होने के बावजूद भी, कमजोर आर्थिक व्यवस्था होने के बावजूद भी इतनी बड़ी महाशक्ति से चाइना से भिड़ गए, उस समय तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम अपमानित करते हो उनको, उस समय के हमारे फौजियों को, उस समय की व्यवस्था को। तो ये आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर आज भी वो आकर के तुमसे नहीं डर रहे हैं तो तुम्हें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं डर रहे हैं। आपकी कूटनीतिक जो राजनीतिक उसमें कहीं ना कहीं कमी है। उन्होंने वहां पर वो वहां पर गांव बना दिए, वहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वहां पे अरुणाचल के लोगों के लिए उन्होंने फ्री हॉस्पिटल बना दिए, पता आपको, स्कूल बना दिए। विपक्ष अगर पूछ रहा है तो एक वो सुधीर चौधरी वो आज तक पे बैठ करके वो कह रहा है कि भाई क्यों पूछ रहे हैं, वो उनके उनकी राष्ट्र भक्ति पर सवाल उठा रहा है। अब प्रेस वाले तय करेंगे क्या कि इसके देश के विपक्ष को क्या करना है, इस देश के विपक्ष को सरकार से कौन से सवाल पूछने हैं? ये सुधीर चौधरी तय करेगा या आज तक वाले तय करेंगे या रुबिया लियाकत तय करेगी? हाँ तो मिलाना, देखिए इस देश, देखिए पहले भी देखिए पहले भी अंग्रेजी राज में जो अंग्रेजों के गुलामी करते थे उनको बहादुर का वो मिलता था, राय बहादुर का किताब मिलता था। और इस समय इस सरकार की जो 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 गुलामी करते हैं, जो उनके चमचागिरी करते हैं, तो उनको किताब मिलते हैं। तो देखिए ये तो हमेशा से जिसकी सरकार होती है, कांग्रेस भी करती थी, जो कांग्रेस की गुलामी करते थे उनके खिलाफ नहीं बोलते थे उनकी गलत नीतियों के, तो उनको भी अवार्ड देते थे, ये तो चलता है जी। देखो इन्होंने, कांग्रेस ने बाबा साहब को नहीं दिया भारत रत्न, जिन्होंने इनका संविधान लिखा, पूरे देश को व्यवस्था दी, लेकिन वो बाद में आके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया 40-45 साल बाद। तो चमचों को तो सारे देते हैं, तो चमचों को ही देती है सारी व्यवस्थाएं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए देखिए हमें देश चमक रहा दिखाई दे रहा है, जंतर मंतर पे खड़े, थोड़े कैमरे दिखाओ, यहाँ पर ही चमक रहा है, यहाँ पर पूरे देश के लोग प्रदर्शन करने आते हैं, धरना करने आते हैं। तो आप दिल्ली, नहीं दिल्ली तो सबने ही बर्बाद कर दी, चाहे कांग्रेस थी पहले, बीजेपी है अब केंद्र में, और अब चाहे लाला ये मायावी लाला केजरीवाल है, ये तमाम मनुवादियों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली के हालात बुरे कर दिए। सिर्फ टीवी में दिखा रहे हैं, वो अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा, हवा में दिखाई दे रहा है इनके काम सारे के सारे। और ये स्कूल बेच रहे हैं,
ये शिक्षा अभी आपको पता है नई शिक्षा नीति का इन्होंने घिनौना रूप कल इन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया है, बोर्ड खत्म कर दिया है इन्होंने, और इन्होंने ये एमफिल वगैरह सब खत्म कर दिया है। अब कॉम्पिटिशन नहीं रहा, सिर्फ आप पर्चा भरो पास होते रहोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन मालदारों के पास तो बड़े बड़े संसाधन है, इनके बच्चे तो पैदा होते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, कंप्यूटर चलाते हुए पैदा होते हैं। हमारे बच्चे तो झोपड़ियों में पैदा होते हैं तो उनको अंग्रेजी सीखने के लिए बीए पास करने के बाद भी उनको प्राइवेट उसमें ट्यूशन लेने पड़ते हैं, उनको कंप्यूटर सीखने के लिए क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अब ये कह रहे हैं जो गणित हमारे बच्चे सीखते थे दसवीं में, जो मेहनत करते थे बोर्ड की तैयारी के लिए, विज्ञान सीखते थे, गणित के लिए मेहनत करते थे, अब वो मत करना, तुम्हें पास कर देंगे, तुम हमारे ड्राइवर बनना, सफाई कर्मचारी बनना, तुम हमारे खाने पकाना, तुम्हारे माली बनना, तुम हमारे चौकीदार बनना, बॉडीगार्ड बनना, लेकिन तुम यहाँ ऑफिसर मत बनना, तुम हमारे बच्चों की बराबरी पे टक्कर पे आकर के अधिकारी मत बनना, तुम यहाँ पर राजा नहीं बनना, तुम हमारे गुलाम थे। इन्होंने मनुवाद को नई आधुनिक तरीके से इन्होंने लागू कर दिया और करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जैसे हम गुलाम थे बहुमत लोग, जो ढोल गवार शुद्र पशु नारी, उसी तरह से दोबारा से ये जो वर्किंग क्लास है, मेहनत कश है, एस सी एस टी है और महिलाएं हैं, उनको दोबारा ही गुलाम करने की इनकी साजिश है, जिसको कि हम अभी समझ पा नहीं रहे। देखिए, मैं तो बीएसपी का ना तो सदस्य है, ना कभी बहन जी से या उनके कोई, दिल्ली के पदाधिकारी भी मुझे नहीं जानते, वैसे फोटो फाटो मेरी देख ली होगी लेकिन मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा एक ही स्वार्थ है, राज्यसभा जाने से मुझे राज्यसभा के जितने वो है ना, राज्यसभा लोकसभा के आपके या जो जितने मंत्री बैठे हैं, इनसे ज्यादा तो रोज मैं काम करता हूँ अपने गरीब मजदूरों का, एस सी एस टी का रोज केस फाइल करता हूँ और रोज कम से कम 2-4 लोगों को मैं रिलीफ दिलवाता हूँ। इनकी औकात नहीं है मेरे सामने, सभी इनके मंत्री पंत्रियों की, ये मंत्री पंत्री मेरा नाम सुन के भाग जाते हैं, इनकी औकात नहीं है मंत्रियों की, इनकी एमपी की, इन राज्यसभाओं की, ये जितना मैं काम करता हूँ इनको बताओ, एक अगर मुद्दा उठाते हो गरीब मजदूर के लिए, एक चिट्ठी लिखते हो कभी महिलाओं के लिए, कभी उनके लिए गरीब पीड़ितों के लिए कुछ करते हो, हम करते हैं, मुझे बनने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही स्वार्थ है कि मुझे पता है कि इस देश की राजसत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और 2024 में संविधान को बचाना है। अगर ये मनुवादी फिर आ गए तो नई संसद में नए संविधान से शपथ लेंगे, इसीलिए मेरा स्वार्थ है कि मुझे पता है कि सिर्फ बहन मायावती रोक सकती है उत्तर प्रदेश में इन मनुवादियों के उस साजिश को, संविधान बदलने की साजिश को, इसीलिए हम बहन मायावती को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए, वो करने को तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं लेकिन वो बातें करने के लिए इनको अभी अभी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, हम इतनी आसानी से इनको वो नहीं करेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे हो जाएगा। देखिए अमेरिका में जो 2-पार्टी सिस्टम है जिसको ये लाना चाहते थे यहाँ पर और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और उस 2-पार्टी सिस्टम में दोनों पार्टियां अगर दो गधे खड़े कर देना, दो गधे, तो उस महान जनता के पास जिसमें वैज्ञानिक हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, जिसमें पढ़े पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, जिसमें मेहनत कश लोग है, आवाम है, उन लोगों के पास सिर्फ दो ही चॉइस है, उसमें से एक ही चॉइस है कि इन दोनों गधों में से बेहतर गधा कौन सा है उसको चुनना है। तो इसीलिए इसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं कि ये 2-पार्टी सिस्टम इन मनुवादियों के हाथ में हो जाए और ये गधे भी खड़े करें तो हमारे पास ऑप्शन ना हो, हम किसको करना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये बिल्कुल गधे हैं, गधे के बाप हैं ये, क्योंकि इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारे हालात क्या है इस देश के, इतनी रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी कभी नहीं हुई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कभी नहीं हुई इस देश में, आप शिक्षा खत्म कर रहे हो, आप पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हो, सरकारी संस्थान संसाधन सब बेच रहे हो, तो इसलिए तमाम चीजें आप इस देश को बर्बाद कर रहे हो। ईवीएम हटवा दो, 2024 में आ जाओ मैदान में। देखिए, जो अमेरिका सबसे दुनिया में सबसे आधुनिक है और टेक्नोलॉजी में, वो जब वो बैलेट पेपर पे करवा रहे हो तो भाई आप क्यों नहीं करवा सकते, आप बैलेट पे क्यों नहीं करवा रहे हो। देखो, मेरे वोट का मुझे गारंटी चाहिए कि मैं अगर किसी इंडिपेंडेंट को भी वोट दे रहा हूँ तो मुझे वो जाना चाहिए, उसकी गारंटी हो कि उसको वोट जाना चाहिए, यही असली डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी को जिस नेता को वोट देना चाहता है उसको इंश्योर होना चाहिए। हाँ, तो किया है ना, तो करना चाहिए। देखिए, ये तीनों कह रहे, तीनों मनुवादी, एक ने दिल्ली ले लिया, एक ने गुजरात ले लिया, एक ने हिमाचल, और तीनों में से एक ने भी मशीनों का विरोध नहीं करा, जबकि दोनों दो स्टेट हारे हैं, एक एक जीते हैं। और देखिए, कांग्रेस की दिल्ली में जमानतें जब्त हुई 200 सीटों से ज्यादा एक छोटे से चुनाव में, और आम आदमी पार्टी की वहां पर हिमाचल में और गुजरात में उसकी जमानतें जब्त हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इन्होंने मिलकर के दिल्ली दे दिया छोटे भाई को, हिमाचल दे दिया बड़े भाई को, और खुद ले लिया मशीन से अपना गुजरात। जनता का कोई रोल नहीं, जनता तो रो रही है, गुजरात में आंदोलन कर रही है, कहां से आ गई इतनी सारी वोटें, कहां से आ गई। हमारा आदिवासी लीडर, देखिए वहां पर छोटू भाई बासावा, कांग्रेस की बड़ी बड़ी लहर चली, बीजेपी की मोदी की बड़ी बड़ी लहर चली, 40 सालों से उनको नहीं हरा पाए, इस बार ऐसी कौन सी लहर चल गई भाई। बीजेपी 3 राज्यों में से 2 हार गई,
और गुजरात में ऐसी हवा चल गई कि सारी सीटें उसको मिल गई। हमारा वो आदिवासी नेता भी हार गया, भैया हमारी हमारी वोट कहाँ गई? बेल को बंद होंगी, करनी पड़ेगी, जनता अब समझ रही है। लेकिन ये तीनों मनुवादियां पार्टी, ये पहले जो आम आदमी पार्टी पहले जब ड्रामा करती थी भाई, हम ये ईवीएम के बारे में बोलती थी, पंजाब जीतने के बाद कहाँ बोल रही है भाई? पंजाब क्योंकि मिली भगत से होगी ना सेटिंग कि भाई एक दो तुम्हें दे देंगे और बाकी हम लेते रहेंगे और इन दोनों को जिंदा रखेगी बीजेपी। अभी बोल रही है बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बोल रही है, बताओ मुझे एक आदमी। पहले बोलती थी शुरू शुरू में चार पांच साल पिछले 2019 के चुनाव से इन्होंने बोला कि जी कांग्रेस मुक्त भारत, बताए मुझे कोई एक आदमी। ये तीनों मनुवादी इस देश को में रहना चाहते हैं और तमाम जो इस देश के SC ST से हैं, वर्किंग क्लास हैं, उनकी चुनौती को खत्म करना चाहते हैं जिसको कि हम होने नहीं देंगे। तो इन्होंने भी तो करे, पटेल की मूर्ति लगाई, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है? और इन्होंने पटेल की मूर्ति लगाई, कांग्रेस ने ये राजघाट पूरे कब्जा कर लिए, एक बताओ एक अर्थी के लिए ये तमाम विजय चौक सारे कब्जा कर लिए, तो ये क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? देखिए जो भी व्यवस्था है कि इन्होंने हमारा किया नहीं ना, हमारी अगर हमारे भी जो महापुरुष हैं उनके भी तो इनको पार्क बनाने चाहिए थे, उनके नाम पे भी तो रखने चाहिए था। अगर बहन मायावती ने किया तो कौन सी आपत आ गई? बहन ये नहीं बताते कि बहन मायावती इकलौती इस देश की एक ऐसी नेता है जिन्होंने की कार ट्रैक बनाया वहां पर ग्रेटर नोएडा में, जिसने की आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, आज एक घंटे में लोग आगरा पहुंचते हैं। ये नहीं बताते कि वहां के आसपास के गांव वाले अरबोंपति हो गए, करोड़ोंपति हो गए, जो वहां पर भूड़ के इलाके थे जहां जमुना जाती थी, बाढ़ आती थी, जहां लोग भूखे रहते थे, आज वहां तरक्की जाकर के देखो। वो नहीं बताते कि बहन मायावती ने क्या किया, ये नहीं बताते कि बहन मायावती के टाइम पे सारे गुंडे भाग गए थे मैदान छोड़ करके, उत्तर प्रदेश की सीमा से भाग गए थे, उसका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं बताते, और कि एक एट्रोसिटी नहीं होती थी, एक महिला के विरुद्ध रेप नहीं होता था, इतना डर इतना टेरर उस महिला का। तो अगर उस महिला को प्रधानमंत्री बनाना हम चाहते हैं तो भैया कौन सी आपत आ गई? हम चाहते हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो कि जो पूरे देश के अंदर UP जैसी अपने टाइम की व्यवस्था लाए, हम चाहते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं उतरती, जैसे अभी देखो ममता बनर्जी, ठीक है ना, वो अपर कास्ट है कहने को, तो वो नहीं उतर सकती, बीजेपी ने उनको हराया नहीं। इसी तरह अगर मायावती जी अगर अपर कास्ट में होती तो ये जरूर प्रधानमंत्री अब तक बन चुकी होती, क्योंकि देखो इंदिरा के बाद, इंदिरा जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत थी, जो महाशक्ति थी, वो उसको सबको मानना चाहिए। और उसी तरह अगर दूसरी कोई लीडर इसमें देश में आई तो मायावती आई, उनको खाली एक राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला, अगर देश का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो वो भी इस देश के अंदर पूरी व्यवस्था को लागू करेंगी, कानून को लागू करेंगी, संविधान को बचाएंगी, और संविधान को लागू करके जो सबसे कमजोर है, जो डिप्राइव है, सबसे कमजोर पीड़ित इस देश में है, उनको शक्ति मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।